भागलपुर के नवगछिया में कोहराम मच गया जब इस्माइलपुर बिंद टोली के पास बने रिंग बांध का एक हिस्सा अचानक ध्वस्त हो गया। ये बांध जो गोपालपुर प्रखंड के इस्माइलपुर बिंद टोली में बना था, नवगछिया के कई इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, लेकिन पानी के बढ़ते दबाव ने बांध के स्पर्श संख्या 7 से 8 के बीच का हिस्सा तोड़ दिया और देखते ही देखते पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लोगों के बीच अफरातफरी मच गई। किसी ने अपना सामान बचाने की कोशिश की तो कोई अपनी जान लेकर ऊंचे स्थानों की ओर भागा। तेज बहाव के साथ फूस के बने घर और उनमें रखा सामान भी पानी में बहने लगा। इस बीच लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर सामान बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन तेज धारा ने सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि अगर लोग समय पर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचते तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 100 से ज्यादा घर बने हुए थे। लोग यहां अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन जैसे ही बांध का हिस्सा टूटा तेज कटाव शुरू हो गया। बांध का करीब 100 मीटर का हिस्सा बह गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल भी नहीं पाए। घर के साथ साथ लोगों का सामान भी पानी की भेंट चढ़ गया। सूचना मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचने लगे, लेकिन लोगों का गुस्सा उफान पर था। लोगों का कहना है कि इस बांध में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसकी वजह से ये बांध ध्वस्त हो गया। 15 करोड़ रुपए की लागत से बना ये बांध आज गंगा में विलीन हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सही तरीके से काम हुआ होता तो पानी का दबाव इसे नहीं तोड़ पाता। जिलाधिकारी नवल चौधरी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी पीड़ितों को ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने का प्रबंध किया जा रहा है और जल्द ही सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन व्यवस्थाओं से लोगों का नुकसान भरपाई हो पाएगा। आप देख रहे हैं कि आज सुबह में जो इस्माइलपुर में बिंद टोली है उसके पास में हमारा बांध का सबसे पहले स्पॉट डैमेज हुआ। उसको बचाने का प्रयास किया गया लेकिन नहीं बचा पाए और बांध में ब्रिज हो गया है, पानी का फैलाव हुआ है। हम लोगों ने एक गांव को इवैक्यूएट भी किया है और हम लोग आगे की तैयारी सारा कर रहे हैं। उस ब्रिज को रोकने का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही एक रोड नंबर 14 है, उस पर डावल बना करके हम लोग उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें आम लोगों से यहाँ काफ़ी सहयोग की आवश्यकता है, जो मैंने अपील भी किया है, क्योंकि हमारा बाढ़ राहत का कार्य है ये। जितना तेज़ी से हो जाए उतना सभी लोगों के लिए राहत की बात होगी और हमारी टीम लोगों की सुविधाएं के लिए लगी हुई है और ज़रूरत के अनुसार सारी तैयारी कर रहे हैं। अभी तो पानी का फैलाव हुआ है तो लोगों को हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी SDRF की टीम है, कई नावें हैं, ये सारी नावें चल रही हैं, लोगों को हम लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं और ऊंचे स्थल पर भी लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप ऊंचे स्थल पर चलिए। जो ऊंचा स्थल है, चिन्हित स्थल है, वहाँ जाएंगे तो वहाँ सारी व्यवस्था है, आवासन की व्यवस्था है, शौचालय है, पीने के पानी की व्यवस्था है, सुरक्षात्मक व्यवस्था है, मेडिकल कैंप भी वहाँ हम रखेंगे, चारा की व्यवस्था भी, पशु है तो चारा की व्यवस्था भी हम लोग रखेंगे, उसकी तैयारी हम लोग करते हैं। कितने मीटर की रेंज में कटाव हुआ होगा? करीब 125 से 150 मीटर के लगभग वो कटाव है और अभी हम लोग उसको स्टेबलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से लापरवाही सामने आ रही है, इसमें कोई कमी नहीं? ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि फ्लड कटिंग का काम में लापरवाही बरती गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ग्रामीणों से अपील करूंगा कि सड़क को थोड़ा छोड़ें ताकि हम लोग काम करा पाएं और इसको आप लोगों ने स्वयं मेरे साथ विजिट किया है अभी और ग्रामीण हमें किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं ये सबको जानकारी है, तो मैं ग्रामीणों से अपील करूँगा कि हमें पूर्ण सहयोग करें ताकि हम बेहतर तरीके से काम कर सकें। बांध जो टूटा इसमें क्या कुछ लग रहा है? उसमें विभाग की टीम आएगी और वहाँ जांच करेगी, जांच के आलोक में आगे बढ़ेगी। सर, घर बांध पर बना है जिसके कारण सुबह से काम नहीं हो पा रहा है, वो भी एक कारण है, वो भी एक कारण है। इसको लेकर हर साल तो बाढ़ के समय में पितर हटवाने का आदेश आता है, ये लोग यहीं के रहने वाले हैं और लोगों को समझदारी की कमी है और कुछ लोग भी अपने फायदे के लिए कई बार ऐसी गलतियां करते हैं जो वांछित नहीं है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अभी भी हमें सहयोग करें ताकि हम लोग बेहतर काम कर सकें। आगे किस तरह की कार्रवाई जिला प्रशासन यहाँ पे करेगी? यहाँ सबसे पहले हम लोग जो बांध को बचाने का कार्य है इसको अभी करेंगे और बांध को और मजबूत करेंगे। दूसरा, जहाँ पानी चला गया है तो हम प्रयास करेंगे हम लोग कि पानी का प्रसार और फैलाव ज़्यादा नहीं हो, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरा, कि लोगों को मदद करने की दिशा में इवैक्यूएशन है और हमारा रेस्क्यू है, प्लान है,
और लोगों को सुविधाएं हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सुविधाओं को बढ़िया करने के लिए काम कर। पिछले बार भी सर जी से आसपास में एक फोन टूटा था, पेड़ लगातार ये लोगों को द्वारा बताया गया कि पिछले बार भी टूटा था, हालांकि यहाँ कार्ड भी किया गया है, तो वो इसलिए तो जांच का विषय है, जांच होगा फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस आपदा ने एक बार फिर सरकारी तंत्र की लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है, जिससे कई परिवार बेघर हो गए हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और कैसे पीड़ितों को राहत पहुंचाई जाती है। लोकल 18 के लिए भागलपुर से सत्यम कुमार की रिपोर्ट।